हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। फूलों के शहर पेशावर में दहशतगर्दी, खुदकुश हमले में AIG अशरफ नूर शहीद, मुहाफिजों समेत 6 अफराद जख्मी, नमाज जनाजा अदा। मैयत हेलीकॉप्टर से स्कर्दू भिजवा दी गई रिहायशगाह पर, आवाम का तांता बन गया। IG खैबर पख्तूनख्वा इस्लाउद्दीन महसूद कहते हैं, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग हर सूरत जीतेंगे। आज के वकूए के बाद हमारे हौसले इंशाल्लाह पहले से ज्यादा बुलंद रहेंगे। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस पाकिस्तान की बका की जंग लड़ रही है। यहाँ पे उनके ऊपर एक खुदकुश हमलावर ने हमला किया है और उसमें वो शहीद हो गए हैं और उनके साथ मजीद जो उनके ड्राइवर गनर और स्क्वाड में जवान थे, 6 अफराद थे, वो जख्मी हैं। खुदकुश हमला करने वाला मोटरसाइकिल पर सवार था, आज़ा इकट्ठे कर लिए गए, शनाख्त के लिए DNA टेस्ट होगा। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक हमले में 15 से 20 किलो धमाका खेज मवाद इस्तेमाल किया गया। वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का दहशतगर्दी के खिलाफ जंग मंतकी अंजाम तक पहुंचाने का अज़्म। इमरान खान कहते हैं, फसाद के बीज बोने वाले कभी अपने अज़ाइम में कामयाब नहीं होंगे, मुजरिमों को कटहरे में लाना होगा। कराची की अमेजना रोड पर रेस लगाते बस ड्राइवर ने नन्नी सकीना की जान ले ली। 4 साल की परी अब्बू के साथ स्कूल जाने निकली थी, तेज रफ्तार बस ने क्लास के बजाय मौत की आगोश में पहुंचा दिया। नन्नी सकीना की हलाकत के बाद मुश्तइल अफराद ने दोनों बसों को आग लगा दी, ड्राइवर फरार, पुलिस मफरूर ड्राइवरों को तो ना पकड़ सकी। एहतजाज करने वाले 11 अफराद को हिरासत में ले लिया। फैजाबाद धरना 3 दिन में खत्म कराया जाए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की नई डेडलाइन। धरना खत्म कराने के लिए महज़ब ममालिक का तरीका अपनाया जा सकता है, सियासी एजेंडे के लिए गलीज जबान इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तहरीरी फैसला जारी, SN इकबाल को धरना खत्म ना कराने पर शो कॉज नोटिस जारी। अदालती अहकामात के बावजूद हुकूमत धरने वालों की सप्लाई लाइन काटने में नाकाम, खाने पीने की अशिया मुजाहिरीन तक बिला रोक टोक पहुंच रही हैं, मोबाइल फोन भी चल रहे हैं, रास्ते मुसलसल बंद। फैजाबाद आवाम के लिए आज भी बेफैज। PTV और पार्लियामेंट हमला के समय 4 मुकदमात में इमरान खान को शामिल तफ्तीश किया जाए, इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत का हुक्म, इमरान खान पुलिस को बयान रिकॉर्ड कराएं, अदालत की हिदायत। मेरा और नवाज शरीफ का मुआवजना करना ऐसे ही है कि मेरा मुआवजना सुल्ताना डाकू से करो। उस आदमी ने 30,000 करोड़ रुपया इस मुल्क का चोरी करके बाहर लेके गया, उसका मेरा क्या मुआवजना हो सकता है? वो इस मुल्क का बड़ा मुजरिम है। मेरा मुआवजना नवाज शरीफ से ना किया जाए, नवाज शरीफ अपने 300 अरब रुपए बचाने के लिए इदारों पर हमले कर रहे हैं। इमरान खान की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में पेशी के बाद हरीफ पर तनकीद, कहा मैं सब कुछ बेचकर पैसे पाकिस्तान लाया, कुछ साबित हुआ तो सियासत छोड़ दूंगा। क्यों ना इमरान खान का मुआवजना हॉलीवुड में खवातीन को हरासा करने वाले हार्वी से किया जाए,
एहसन इकबाल का तंज। ख्वाजा साद रफीक कहते हैं इमरान खान सियासी शोबदाबाज हैं, वो समी उल हक के बजाय तालिबान से बराह रास्त इत्तेहाद क्यों नहीं करते। पीपल्स पार्टी को जमहूरी कुव्वत नहीं मानता, इंतखाबी इस्लाहात बिल पर पीपल्स पार्टी की मुखालफत पर अफसोस है। आबिद शेर अली भी फट पड़े, कहा करप्शन की दास्तान रकम करने वाले नवाज शरीफ पर उंगली उठा रहे हैं। हाफिजाबाद में तहरीक इंसाफ का पिंडाल सज गया, कारकुनों की आमद का सिलसिला जारी, इमरान खान खिताब करेंगे। एहतसाब अदालत में इसहाक डार के खिलाफ असासा जात रेफरेंस की समाअत, जामिन अहमद अली ने इसहाक डार को पेश करने के लिए 3 हफ्ते की मोहलत मांग ली, जर जमानत जब्त न करने की इस्तदा, समाअत 29 नवंबर तक के लिए मुलतवी। We want justice! We want justice! We want justice!